हेलो फ्रेंड्स, मूवीकर हियर। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम अफ्रीका का जंगल देखते हैं। यहाँ एक फीमेल लायन को उसके बच्चों के साथ दिखाते हुए वहाँ एक शिकारी उन पर हमला करके लायन के बच्चे को पकड़ लेता है और उसे प्लेन में सर्कस के लिए भेज देता है। फिर हम स्टोरी की मेन कैरेक्टर एल्मा को देखते हैं। उसे पियानो बजाना बहुत पसंद है। वो पियानो की प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि उसे पियानो कंपटीशन में हिस्सा लेना है, जिसके लिए वो पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है। इसलिए एल्मा अपने ग्रैंडफादर के घर, जो कि एक कैनेडा के जंगल में है, वो वहाँ जाती है। वो जब छोटी थी तब वो यहाँ रहा करती थी। वहाँ पहुंचकर एल्मा अपने ग्रैंडफादर के फ्रेंड जोए से मिलती है। जोए एल्मा को उसके ग्रैंडफादर की एक रिकॉर्डेड मैसेज देकर वहाँ से चला जाता है। रात के वक्त एल्मा उस वीडियो को देखती है जिसमें उसके ग्रैंडफादर एक व्हाइट स्नो वुल्फ के बारे में बता रहे थे। वो बताते हैं कि एक व्हाइट वुल्फ अक्सर उनके घर के आसपास घूमते रहती है और अब उनमें दोस्ती हो गई है। उस रात तेज तूफान और बारिश आती है, जिस वजह से वो प्लेन जिसमें लायन का बच्चा है वो कनाडा के उसी जंगल में क्रैश हो जाता है, जिसकी एल्मा को भी सुनाई देती है। अगली सुबह हम वही व्हाइट वुल्फ को दो साइंटिस्ट चार्ल्स और एली के बिछाए हुए जाल में फंसा हुआ देखते हैं, लेकिन वो वुल्फ उस जाल को काटकर भाग जाती है और वो दोनों उसका पीछा कर रहे थे। वो उस वुल्फ को पकड़कर एक सेंचुरी में रखना चाहते हैं ताकि वो इस रेयर ब्रीड की आबादी बढ़ा सकें। इसीलिए वो दोनों उसे बेहोश करके पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आती। तब एल्मा घूमते वक्त उस वुल्फ को जाल में फंसा हुआ देखती है। तब वो अपने ग्रैंडफादर का जैकेट उस उल्फ को देकर उसे वहाँ से छुड़ाती है। तभी वो एली और चार्ल्स से मिलती है और उनके इरादे जानकर वो उनको वार्निंग देती है, अगर तुम मेरी प्रॉपर्टी से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अब एल्मा उसी क्रैश हुए प्लेन के पास जाती है, जहाँ एक पेड़ पर हम उसी लायन के बच्चे को ईगल के घोंसले पर देखते हैं। फिर ईगल वहाँ आकर उस बच्चे को गिरा देता है। उसी वक्त एल्मा उस बच्चे को कैच कर लेती है। वो उस बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है और जैसे ही वो घर का दरवाजा बंद करने जाती है, वही व्हाइट उल्फ अपना एक बच्चा लेकर घर के अंदर घुस जाता है। एल्मा को ये सब एक सपना लग रहा था। फिर वो जोई को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं था। फिर वहाँ जोई आकर उसे एक सैटेलाइट फोन देता है। यहाँ एल्मा जोई को दोनों एनिमल्स को दिखाती है। जोई उसे उन जानवरों को फॉरेस्ट ऑफिसर को सौंपने के लिए कहता है। तभी वहाँ दो ऑफिसर्स आकर उस लायन के बच्चे के बारे में पूछते हैं। वो बताते हैं कि वो लायन का बच्चा सर्कस ले जाया जा रहा था और प्लेन क्रैश होने की वजह से वो अब लापता है। अगर तुम्हें कुछ भी पता चलता है तो तुम हमें कांटेक्ट कर सकती हो। सर्कस की बात सुनकर एल्मा उनको जानबूझकर लायन के बच्चे के बारे में नहीं बताती, क्योंकि वो और उसके ग्रैंडफादर हमेशा से ही एनिमल अब्यूज के खिलाफ थे। उनके वहां से जाने के बाद एल्मा घर के अंदर जाती है और उस उल्फ को लायन के बच्चे को मिल्क फीड करते हुए देखती है। अगले दिन एल्मा वहाँ से वापस जाने वाली थी, लेकिन उन बच्चों की खातिर वो अपना डिसीजन चेंज कर लेती है और वो जो को जाकर बताती है कि उसके कंपटीशन के डे आने तक वो यहीं पर रहेगी। अब एल्मा उन एनिमल्स के बच्चों के साथ हैप्पीली रहने लगती है और साथ में अपना पियानो प्रैक्टिस भी करती है। अब एल्मा के पियानो कॉम्पिटिशन का डे आ जाता है, इसलिए एल्मा अपने घर का एक विंडो ओपन छोड़कर उस कंपटीशन के लिए चली जाती है। उसके वहाँ जाने के बाद जब एक दिन व्हाइट उल्फ जंगल में घूम रही थी, तब चार्ल्स और एली उसे वहाँ बेहोश कर देते हैं और पकड़ के उसे वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ एल्मा पियानो कंपटीशन जीत गई थी। फिर वो वहाँ से एक एनिमल शेल्टर में कॉल करती है ताकि उन बच्चों को वो वहाँ भेज सके, लेकिन उसे पता चलता है कि वो लोग लायन के बच्चे को नहीं रखते। कुछ दिनों के बाद जब एल्मा घर आकर वापस देखती है कि उन दोनों बच्चों ने पूरे घर की हालत बिगाड़ कर रखी है, साथ ही उसे व्हाइट उल्फ भी नजर नहीं आ रही थी। वो उसे चारों तरफ खोजती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती, इसलिए एल्मा को थोड़ा टेंशन होने लगता है, जिसके बाद वो उन दोनों बच्चों का खुद ही ख्याल रखने लगती है। उसे लगता है कि व्हाइट उल्फ अब जा चुकी है। एक दिन जोए एल्मा से मिलने आता है और वहाँ उन बच्चों को देखकर वो उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि एल्मा ने उससे झूठ कहा था कि उसने उन बच्चों को फॉरेस्ट रेंजर
रेंजर्स को दे दिया है। एल्मा जो को समझाती है, इसीलिए फिर वो उसका साथ देने के लिए मान जाता है। फिर एल्मा जोई को बताती है कि वो पियानो कंपटीशन जीत गई। वो डिसाइड करती है कि जब तक इन बच्चों का कोई अच्छा बंदोबस्त नहीं हो जाता, वो उनकी देखभाल करेगी। इसके बाद एल्मा वुल्फ कप का नाम रखती है मोजार्ट और लॉयन के बच्चे का नाम रखती है ड्रीमर। दोनों ही बच्चे अब अच्छे दोस्त बन गए थे। बहुत से दिन गुजर जाते हैं और सर्दियों का मौसम आ जाता है। एक दिन जोई उसके घर पर आता है, तब वो देखता है मोजार्ट और ड्रीमर अब बड़े हो चुके हैं। वो दोनों को देखकर डर जाता है। फिर एल्मा उनको अपने रूम में लॉक कर देती है। एल्मा को ऐसे खूंखार जानवरों के साथ देखकर जोई थोड़ा घबरा जाता है और एल्मा से प्रॉमिस मांगता है कि अब से रोज वो अपने बारे में अपडेट देती रहेगी, जिसके बाद एल्मा ऐसा ही करती है। एक दिन एल्मा को मोजार्ट और ड्रीमर दोनों ही नजर नहीं आते, तब वो उन्हें ढूंढते हुए जंगल के अंदर जाती है। वहाँ वो एक छोटी बच्ची को अपनी माँ के साथ बोटिंग करते हुए देखती है। तभी उसकी नजर मोजार्ट और ड्रीमर पर पड़ती है। वो दोनों उन माँ बेटी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें रोकने के लिए एल्मा भागती है, लेकिन वो वहाँ गिर जाती है और उसका सर पत्थर से टकरा जाता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। तब ड्रीमर और मोजार्ट उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं उठती। अब रात हो गई थी, इसलिए वो दोनों एल्मा को ठंड से बचाने के लिए उसके आसपास ही रहते हैं। अगले दिन जोई रोज की ही तरह एल्मा से वॉकी टॉकी में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रेस्पॉन्स ना मिलने के कारण वो एल्मा के घर जाकर चारों तरफ खोजता है और यहाँ उसे एल्मा जमीन पर पड़ी हुई दिखती है। लेकिन उसके पास ड्रीमर को खड़ा देखकर उसे डाउट होने लगता है, इसलिए वो फॉरेस्ट रेंजर्स को कॉल करके बुला लेता है। वो फॉरेस्ट ऑफिसर एली को कॉल करके मोजार्ट के बारे में बताती है। फिर एली मोजार्ट को लेकर उसी सेंचुरी में डाल देता है, जहाँ मोजार्ट की माँ यानी व्हाइट वुल्फ भी वहीं थी। लेकिन यहाँ ड्रीमर को सर्कस वाले ले जाते हैं। होश में आने के बाद एल्मा जोई से उन दोनों के बारे में पूछती है, तब जोई उसे सारा सच बता देता है। जहाँ सर्कस में एलन ड्रीमर को शांत करने के लिए उसे एक इंजेक्शन देता है, फिर उसे चाबुक मारता है, जिसे देखकर उसका बेटा राफा बहुत हर्ट होता है, क्योंकि वो भी एक एनिमल लवर है और ड्रीमर के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो चुकी है। यहाँ हॉस्पिटल में एल्मा उन दोनों के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी और उन्हें ढूंढने के लिए वो हॉस्पिटल से छुपकर भाग जाती है। जोई के साथ वो उसी रेंजर के पास आती है, लेकिन वो ऑफिसर उसे कुछ भी नहीं बताती, उल्टा उसे दोनों वाइल्ड एनिमल को पालने की वजह से उसे हिरासत में लेने की धमकी देती है। इसलिए एल्मा उस पर गुस्सा दिखाती है और वहाँ से निकलने के बाद उसे एली की बात याद आती है। उसे समझ आ जाता है कि मोजार्ट एली के ही पास है, इसीलिए वो एली को कॉल करती है, लेकिन वो भी यहाँ उसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता। बस वो यही बताता है कि अब मोजार्ट अपने जैसे जानवरों के साथ रह रहा है। ये सुनकर एल्मा थोड़ा रिलैक्स होती है, लेकिन अब उसे ड्रीमर की चिंता हो रही थी और उसे ढूंढने के लिए वो हर एक सर्कस में सर्च करती है, लेकिन उसे ड्रीमर नहीं मिलता। इसके बाद एक दिन जब सर्कस वाले उस सेंचुरी के पास से गुजरते हैं, तब मोजार्ट उसे पहचान लेता है। वो सेंचुरी की मिट्टी खोदकर वहां से भाग जाता है और ड्रीमर को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है। वो ड्रीमर का केज खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खोल नहीं पाता। यहाँ एली को समझ नहीं आ रहा था कि मोजार्ट सेंचुरी से क्यों भागा। वो पिछले 10 सालों से इन जानवरों पर काम कर रहा था, लेकिन आज तक कोई नहीं भागा था। उसे लगता है कि मोजार्ट भागकर एल्मा के पास गया होगा, इसलिए वो एल्मा को कॉल करता है। तब वो बताती है कि वो मुझे नहीं अपने भाई ड्रीमर को खोज रहा है। एली को उसकी बातें बेतुकी लगती हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि एक उल्फ और लॉयन कैसे भाई हो सकते हैं। इसलिए वो एल्मा का फोन काट देता है और यहाँ चार्ल्स मोजार्ट के गले में बंधे GPS को ट्रैक करता है और उसे ढूंढने निकल जाते हैं। यहाँ मोजार्ट एलन और राफा को ड्रीमर की तरफ आता हुआ देखकर वो छुप जाता है, और जैसे ही वो ड्रीमर को चाबुक मारने के लिए केज को खोलता है, मोजार्ट आकर उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद ड्रीमर वहाँ से भाग जाता है। बहुत दिनों के बाद ड्रीमर और मोजार्ट एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और खेलते हुए जंगल के अंदर चले जाते हैं। एक वुल्फ और लॉयन को ऐसा खेलते हुए देखकर राफा और एलन बहुत हैरान होते हैं। फिर वो लोग ड्रीमर को पकड़ने के
लिए गन लेकर निकलते हैं। यहाँ चार्ल्स जीपीएस ट्रैक करके उस सर्कस तक पहुँच जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि मोजार्ट एक लॉयन को लेकर वहाँ से भाग गया है। ये सुनकर उनको अब एल्मा की बातें सही लगने लगती है, इसीलिए एली एल्मा के पास जाता है और मोजार्ट को खोजने के लिए उससे मदद मांगता है। लेकिन एल्मा उस पर बहुत गुस्सा थी, इसलिए वो उसका साथ नहीं देना चाहती थी। तभी एली के हाथ में दरवाजे से चोट लग जाती है। उसके हाथों में चोट लगने के कारण वो एल्मा की बोट लेकर जाने लगता है, लेकिन बोट में फ्यूल नहीं था, इसीलिए वो पानी में फंस जाता है। जिसके बाद वो पानी में उतरकर एल्मा के पास पहुंचता है। तब दोनों ही एक दूसरे से माफी मांगते हैं। फिर एली उसे मोजार्ट का लोकेशन दिखाता है, जिससे ये पता लगता है कि वो दोनों एल्मा के पास आ रहे हैं। इधर मोजार्ट और ड्रीमर को भूख लगती है। तब रात के वक्त दोनों एक स्टोर में घुस जाते हैं और वहाँ खाना चुरा कर खाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर वहाँ सिक्योरिटी गार्ड बाहर आता है और उन्हें देखकर दोबारा अपने कैबिन में घुस जाता है और इमरजेंसी अलार्म बजा देता है। खाने के बाद ये दोनों वहाँ से निकलकर जंगल में चले जाते हैं और सिटी में सभी लोग उनकी ये दोस्ती देखकर बहुत हैरान थे। अगली सुबह एल्मा एली के साथ उन्हें ढूंढने निकलती है। रास्ते में उन्हें न्यूज से पता चलता है कि अब पुलिस को मोजार्ट और ड्रीमर के बारे में पता चल चुका है, इसीलिए वो लोग उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ एलन और राफा को ड्रीमर की लोकेशन पता चल जाती है, इसीलिए वो दोनों जंगल में जाकर उनको खोज लेते हैं और उसे बेहोशी की दवा देने ही वाले थे। तभी मोजार्ट ये देखकर एलन पर हमला कर देता है, जिससे वो इंजेक्शन मोजार्ट को लग जाता है और बेहोश होकर वो वहीं गिर जाता है। यहाँ ड्रीमर वहाँ से भाग जाता है। इस दौरान एलन का पैर मुड़ जाता है। राफा बेहोश मोजार्ट के गले से वो जीपीएस ट्रैकर निकाल लेता है और अपने डैड से छुपाकर एक मेडिसिन राफा के मुंह में डाल देता है, जिसके बाद वो 10 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा। उनके वहाँ से जाने के बाद ड्रीमर वहाँ आकर मोजार्ट को उठाता है, फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ एली उस जीपीएस को ट्रैक करके बार तक पहुँचता है, जो सिग्नल राफा के पास से आ रहा था। तब एली उसे वुल्फ के बारे में पूछता है, लेकिन एलन उनसे झूठ कहता है कि उनको वो ट्रैकर रास्ते में पड़ा हुआ मिला और उन्हें उल्फ के बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तब राफा टॉयलेट का बहाना बनाकर उनसे जाकर मिलता है, फिर उन दोनों को उस लोकेशन पर लेकर जाता है जहाँ मोजार्ट बेहोश हुआ था, लेकिन अब वो वहाँ नहीं था। तब राफा बताता है कि जब ड्रीमर सर्कस में था, वो उसे पियानो का म्यूजिक सुनाकर शांत किया करता था। ये सुनकर एल्मा कार की तरफ भागती है और म्यूजिक चलाकर जंगल के रास्ते धीरे धीरे चलने लगती है। यहाँ ड्रीमर जब म्यूजिक सुनता है, तब जंगल से निकलकर रास्ते के पास आ जाता है और एल्मा यहाँ उसे देख लेती है, लेकिन उसे मोजार्ट नहीं दिखता। वो ड्रीमर से मोजार्ट के बारे में पूछती है। तब ड्रीमर एल्मा को उसी कैबिन तक ले जाता है, जिसे एल्मा के ग्रैंडफादर ने उसके लिए बचपन में बनाया था। वहाँ उन दोनों को साथ देखकर एल्मा बहुत खुश होती है और एली को आकर बताती है। तभी वहाँ राफा के फादर एलन बंदूक लेकर वहाँ आ जाते हैं और उन लोगों से ड्रीमर के बारे में पूछते हैं, लेकिन राफा अपने डैड पर गुस्सा करता है और उनको एनिमल्स को हर्ट करने के लिए मना करता है। फिर वो मान जाता है और राफा को लेकर वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त वहाँ पुलिस वाले भी आ जाते हैं और यहाँ उनके पास उन दोनों जानवरों को मारने का ऑर्डर था। तब एल्मा एली को जोई से मिलकर मैजिक ट्री का जिक्र करने को कहती है और उसे वहाँ से भेजकर खुद मोजार्ट और ड्रीमर को लेने उस कैबिन तक पहुँचती है, जिसके अंदर से मैजिक ट्री यानी कि एक सुरंग से होकर जंगल के दूसरे तरफ पहुँच जाते हैं, लेकिन जोई अब तक पहुँचा नहीं था। यहाँ पुलिस वाले भी उस कैबिन तक पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं मिला। फिर वो लेक की तरफ जाते हैं। यहाँ एल्मा उन दोनों को लेक क्रॉस करके अपने घर तक पहुँचने के लिए पानी में उतरने के लिए कहती है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी में उनको पुलिस नहीं खोजेगी। मोजार्ट पानी में उतर जाता है, लेकिन ड्रीमर नहीं उतरता, क्योंकि वो बचपन से ही पानी से डरता है। एल्मा उसे समझाती है, लेकिन वो जंगल की तरफ चला जाता है। एल्मा ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए मोजार्ट को लेकर वो तैरते हुए अपने घर के तरफ बढ़ती है। रास्ते में उसे जंगल में गोली चलने की आवाज आती है। तब उसे ऐसा लगता है कि पुलिस वालों ने ड्रीमर को मार दिया। घर पहुंचकर एल्मा रोने लगती है। यह मोजार्ट भी ड्रीमर की राह देख रहा था। तब एल्मा उसे समझाती है कि ड्रीमर उनके पास अब कभी नहीं आएगा। तभी पीछे से उन्हें आवाज आती है। वहाँ उन्हें ड्रीमर दिखता है। वो जंगल के दूसरे रास्ते से वहाँ
पहुंच गया था। यहां दूसरी तरफ से जोई और एली ये सब देख रहे थे। दोनों को साथ में देखकर उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। अब कुछ दिनों बाद एल्मा मोजार्ट और ड्रीमर के लिए कॉन्सर्ट रखती है जिसमें आसपास के बहुत से लोग आते हैं। एल्मा उनको बताती है कि कैसे उसने जरूरत के वक्त दोनों बच्चों की मदद की थी और आज दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। वहां बैठे सब लोग एल्मा को सपोर्ट करते हैं और यहां हम उन दोनों को जंगल में खेलता हुआ देखते हैं। इसके बाद हम लास्ट में मोजार्ट और ड्रीमर दोबारा साथ बड़े होते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये एनिमल मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइए और अगर आपको जानवरों से प्यार है तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरी अगली मूवी देखना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।